ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बेसिकली एक एटम किस तरीके से दिखाई देगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, समझ आ रहा है? थोड़ा बहुत नॉलेज आपको पहले से होता पता होगा कि एटम जो है वो किससे मिलके बनता है, आपको सॉरी एटम कंबाइन होकर क्या बनाता है, एटम कंबाइन होता तो क्या बनाता है, एलिमेंट बनाता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट एटम कंबाइन होते तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। फिर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड इज मॉलिक्यूल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज एटम, ये सब पढ़ा हुआ है। तो अपने भी एक एटम की बात करने जा रहे हैं। अच्छा, एक एटम के पास क्या होता है? वेरी गुड, एक एटम के पास, ठीक है, तो एटम जो है वो पढ़ा लिखा होता है, पेन होती है उसके पास, मतलब क्या है? अच्छा, एटम को हम लोग मानते हैं स्फेरिकल, कैसा मानते हैं? तो इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियस के अंदर कौन, तो टोटल इसके बाद देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और क्या है, यानी पेन है। एटम के पास क्या है भाई? ठीक है, तो प्रोटॉन के बारे में आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। यहां पर हम लोग हालांकि एक्सपेरिमेंट बहुत डिटेल में बात नहीं करने वाले, किसने डिस्कवर किया था उसका नाम और कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया था ये अपने को पता होना चाहिए, अंडरस्टूड? तो मेरे पास प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन। अच्छा, इसके अलावा भी पार्टिकल्स होते हैं, हाँ, इसके पास समझ आ रहा है, जो जब न्यूक्लियस को फोड़ के और देखा गया तो आपको और भी पार्टिकल्स मिले, समझ आ रहा है? पॉजिट्रॉन मिला, पायॉन मिला, ठीक है, तो बहुत और भी पार्टिकल्स मिले, वो सब आप फर्दर स्टडीज में करते हो, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, ये सब चीज बात करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी इतना ही पढ़ना अपने को। ये इसका चार्ज कौन बताएगा? इसका चार्ज नो चार्ज है ना, न्यूट्रल होता है इसलिए न्यूट्रॉन। अच्छा, तो हम लोग अभी देखो क्या क्या बात करने वाले, इनके मासेस के बारे में बात करेंगे, इसके चार्जेस के बारे में बात करेंगे, किसने डिस्कवर किया इसके बारे में बात करेंगे, कौन से एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर हुआ ये भी बात करेंगे, ठीक है? तो आ जाइए फटाफट फटाफट उसको हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले जो आपको यहां पर याद रखना है, जो आगे चल के आपको फिजिक्स में भी काम आने वाला है, वो इनके मासेस और चार्ज है, ठीक है, आ जाओ उसको बात करते हैं। सबसे पहले ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज बात कर रहा हूं, प्रोटॉन पे चार्ज बात कर रहा हूं, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? जीरो, नो चार्ज ना। तो अगर चार्ज होता है तो कितना होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है कितना, ये नंबर याद कर लीजिए, पूरा नंबर नहीं याद करना है तो चलेगा, 1.6 इतना तो याद करना है आपको, 1.6 इंटू 10^-19 को लो, सेम नंबर है बस वो नेगेटिव, और ये तो याद रखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो सेम ही होता है, बस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये नंबर याद कर लोगे। वैसे चार डिजिट में अपने को कम से कम नंबर याद करना होता है, लेकिन अपना 1.6 भी याद करोगे तो चलेगा, वैसे 1.602 10^-19 कूलम। अच्छा, कूलम क्या है? चार्ज का यूनिट है, चार्ज का क्या है ये मैंने आपको यूनिट डायमेंशन में जब एक जगह आया था तो वहां बताया था मैंने, ठीक है। करंट का फॉर्मूला किया था ना अपन ने, Q/T, याद आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि इसका यूनिट क्या होता है, कूलम, और इसका क्या होता है, सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड, और इसका यूनिट होता है, ये भी आपने किया है एम्पियर, कूलम पर सेकेंड, लोअर क्लास में 10th में भी किया होगा आपने, 9th पे 9th। ये इतना याद हुआ सभी बच्चों को। अच्छा, रिलेटिव चार्ज अगर मैं बात करूं तो हमने क्या किया है, इसको -1 बोलते हैं, इसको +1 बोलते हैं, रिलेटिवली अगर मैं बात करूं, ये जितना नेगेटिव है उतना क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, इसको सिंबॉलिकली हम लोग ये जो नंबर है ना 1.6, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, तो ई इज अ सिंबल ऑफ चार्ज, मतलब ये जो मैं लिख रहा हूं ना Q/T, तो मैं ऐसे E/T भी लिख सकता हूं, तो ई इज, समझ आ रहा है, चार्ज, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1.602 10^-19, समझ आ गया? तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, माइनस ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाता है, प्लस ई प्रोटॉन का चार्ज होता है, अंडरस्टूड? अच्छा, मास इसका, अगर ये मास भी आपको याद रखना है,
और आप इसको जो है ना सिर्फ दो डिजिट में याद करेंगे, 9.1 10^-31। इसको आप दो ही डिजिट में याद करना, लेकिन अगर तीसरा याद कर लोगे तभी भी चलेगा, 1.67 10^-27। मतलब रिदम अच्छा बैठ जाता है। ये देखो 9.1 10^-31, ओके। उसके बाद 1.67 10^-27, समझे बात को? ओके, तो ऐसे याद रहता है कि 10 का पावर क्या रहेगा। नहीं तो नंबर देखो इतने करीब करीब है, 1.6 ये भी है। आप जब मास बोलने जाओगे इसका तो 1.6 10^-19 बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 1.67 10^-27, समझ आ रहा है? और चार्ज में -19 होता है, 1.6 10^-1.602 10^-19 कूलम। अच्छा, और यूनिफाइड में मास बात करें तो अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, ये पहले भी अपन बात कर चुके हैं। जब आप किसी एटम का मास बात कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ किसका मास देखते हो? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। किसका बोलो? एटॉमिक मास का क्या फॉर्मूला है? एटॉमिक मास कैपिटल ए, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन को नहीं देखते हो? क्यों? नहीं, मास की बात कर रहा हूं मैं। तो अभी बॉन्डिंग वॉन्डिंग छोड़ दो, उसके बाद देखो किसी के पास जो भी सारी चीजें हैं अगर उसका मास निकालो सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एटम के पास प्रोटॉन भी है इलेक्ट्रॉन भी, और तो तीनों का मास मिला के एटम का मास बोलना चाहिए था, लेकिन सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही मिलाते हैं बराबर। ये नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है? नेग्लिजिबल। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पर। मान लो आपके पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन का मास और ये न्यूट्रॉन लगभग लगभग बराबर होता है, 1.6726 है। देखो 1.67493। आप बोलेंगे सर ये वाला और ये वाला नंबर, ये वाला आपका केजी में बात कर चल रही है, क्या में बात चल रही है? केजी में। और ये वाला बात चल रहा है यूनिफाइड में। ये सब अपन चैप्टर नंबर 1 में कर चुके हैं, यूनिफाइड टू ग्राम में कन्वर्जन। याद है 1 AMU इज इक्वल टू 1.66056 10^-24 ग्राम, या केजी में बात कर 10^-27 kg, याद आ रहा है? हाँ, तो वैसे कन्वर्जन किया जाता है। तो ये आपका केजी में और ये काय में? यूनिफाइड में। यूनिफाइड में बात करना ज्यादा आसान होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास को। एक न्यूट्रॉन है तो एक यूनिफाइड लगभग, एक प्रोटॉन है तो उसका भी क्या होगा? एक यूनिफाइड। देखो अप्रोक्सीमेटली कितना लिखा हुआ, 1 यूनिफाइड, 1.00 वाला 1.00 यानी 1। अच्छा, और ये 0.000 है, मतलब 0 है अप्रोक्सीमेटली ना। अभी इसको सबको सम करूंगा तो इसकी तो कहानी नहीं है ना कोई। या मान लो आप इसको भी ऐड करते हो तो 1 और 1 2 पॉइंट ही चलेगा। ये 54 कहीं यहां ऐड होगा जो कि कोई मतलब का नहीं है। इस नंबर में कोई चेंज कर रहा है क्या इसको ऐड करने पर? नहीं, इसलिए वो नेग्लिजिबल है, याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग एटॉमिक मास निकालने के लिए नहीं लेते, अंडरस्टूड? डायरेक्ट यहां पर अप्रोक्सीमेट करके सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात सुनो। क्या इतने नंबर्स आपको याद हो गए क्या? ठीक है, देखते हैं। आपको यहां पर दो चीज याद करनी है, एक चार्ज और एक मास। ठीक है, मास केजी वाला याद कर लेना है, यूनिफाइड वाला याद करने में कोई दिक्कत है नहीं। इलेक्ट्रॉन का 0 अप्रोक्सीमेटली 0 यूनिफाइड है और बाकी का 1 1 है, तो वो जैसे याद करने जैसा कोई तकलीफ नहीं है अपने को, वो तो याद हो ही जाएगा। मेन ये नंबर पे फोकस करना है आपको, ठीक है? चलो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कितना होता है, नंबर बताओ सिर्फ, बाकी नेगेटिव पॉजिटिव तो बोल ही दोगे। 1.602 10^-19 कूलम विद यूनिट आप याद करिए, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 10^-31, 9.1 हो गया, रिदम बैठ गया, ओके। और क्या नाम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग लगभग सेम है, देखो इतना, बस ये नंबर के बाद चेंज हो रहा है। ये 9 राउंड ऑफ करूंगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है? और ये इसको राउंड ऑफ करो 3 हो जाएगा। और एक मिनट, हाँ इवन है ना, नहीं होगा, 1.672 और 1.674 ही रहेगा, ठीक है? दो का डिफरेंस आ रहा है इधर पे देखेंगे तो, तीन डिजिट तो सेम है ना। क्या बोलेंगे, 1.67 10^-27, दोनों का है, एक ही नंबर है, तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं है। देखो किसी को याद हुआ, कोई बोलना चाहेगा? अच्छा, इसको सिंबॉलिकली क्या लिख सकते हैं आप लोग? हाँ सुनो, पेंसिल से ना यहाँ पर अपने टेक्स्ट बुक में लिख दो m^e। क्या बोलेंगे इसको? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलेंगे? m^n। इसको क्या बोलेंगे? सॉरी, p आएगा, ये
एम टू द बेस एन। और ये आपका ई का वैल्यू है दोनों भी, ई बताया ना, ये ई ई का वैल्यू। चलो पूछूं सवाल, नंबर याद हुआ किसी को? बोलो। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बोलो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सवाल क्या पूछ रहा हूँ सुनो। चल ठीक है लाइन से पूछता हूँ तेरे को। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 0 to 1.602 × 10⁻¹⁹, माइनस नहीं बोला, −19 कूलम। कितना? हाँ प्रोटॉन पे भी इतना ही रहेगा, बस पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इलेक्ट्रॉन का मास बताओ अभी। नाइन पॉइंट वन 10⁻³। समझे क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं बोला, 9.1 × 10⁻³। हो गया याद हो गया? ठीक है, मास ऑफ दी प्रोटॉन ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग लगभग उतना ही रहता है, तो 3 डिजिट में दोनों बराबर ही होते हैं। ठीक है, चौथा इनका डिफरेंट, तो 3 ही याद करना है अपने को। ठीक है, यूनिफाइड में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? 1 यूनिफाइड होता है, और इलेक्ट्रॉन का 0 यूनिफाइड अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, और कौन बोलना चाहेगा? बोलो बोलो। चलो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन केजी में, मास ऑफ द प्रोटॉन न्यूट्रॉन। देखो 6 7 बोलने से 10⁻27 याद आ जाएगा, तो नहीं तो 10⁻ इतने सारे हैं ना, कन्फ्यूजन हो जाएगा। 1.67 × 10⁻²⁷ केजी। ठीक है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे सेम ही चार्ज होता है, कितना होता है? 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है वेरी गुड। पीछे विशाल बोलो, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या मास बोल रहा है? मास बोल रहा है केजी। ठीक है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताओ। सुपर फास्ट हो गया रे, दो ही बार टू है वहां पर, तो कितने बार टू बोल दिया। ठीक है, ए नवाजिश बोलो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हाँ, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास सुर लगा रहा है। आरती बोलो, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। −31 केजी। ठीक है, यूनिट भी याद रखने का। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अच्छा पूरा बोल दिया तुमने, उतना याद नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म तक, 3 ही याद करो, समझे? ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखो यहां पर, ये आपके पास एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है। कौन सा? इसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। देखो ऐसे ना, साइंटिस्ट लोग का एक चलन चलता है, सब डिस्चार्ज ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हर कोई डिस्चार्ज ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला जो इन्वेंशन हुआ था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन का हुआ था। किसका डिस्कवरी हुआ था? इलेक्ट्रॉन का। किसने किया था इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी? जे जे थॉमसन। तो इसको इसको अंडरलाइन करो ये नाम को,
इस ये जो क्या नाम है डिस्चार्ज ट्यूब, ये कौन सा वाला है? कैथोड रे। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट है कैथोड रे। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। और एक स्मॉल पार्टिकल इन्होंने इन्वेंट किया, फाउंड द कैथोड रे आर स्ट्रीम ऑफ वेरी स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। किधर गया? लेटर दिस पार्टिकल नेम्ड इलेक्ट्रॉन। इन्होंने एक बहुत ही छोटा पार्टिकल जो है ना डिस्कवर किया, जो कि नेगेटिवली चार्ज था। कैसे चार्ज था ये? नेगेटिवली चार्ज पता करना बहुत सिंपल होता है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाते हो उसको। देखो ये यहां से ना ये प्लेट है, ठीक है, और यहां से ना एक स्ट्रीम जैसे आपको लाइट जाते हुए दिखाई देगी ऐसे। तो कुछ तो ऐसे जाते दिखाई दे रहा है यहां पर, ठीक है। और स्क्रीन जो है ना, स्क्रीन पे सिंटिलेशन प्रोड्यूस होता है। खैर यहां पर हम लोग लगा देते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक प्लेट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ये एक प्लेट है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। अब ये दो प्लेट है और ये स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहां से। अभी मालूम नहीं है कौन है, इसको स्टडी कर रहे थे जब कैथोड रे में। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाया, ऊपर कौन सी प्लेट है? पॉजिटिव। अच्छा, इसका चार्ज क्या है? नेगेटिव। ये हमको मालूम नहीं था। पता कैसे चला इसका नेगेटिव चार्ज है? क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इसको, दो प्लेट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हमने देखा कि ये किधर बेंड हो रहा है? पॉजिटिव की तरफ बेंड हो रहा है। इसका मतलब उसका चार्ज क्या होगा? समझ आ रहा है? पॉजिटिव की तरफ जो अट्रैक्ट होगा वो कौन होगा? तो हमने देखा कि ये इधर बेंड हो रहा है ऐसे, इस तरफ बेंड हो रहा है। तो इस तरफ बेंड हो रहा है मतलब पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज। आगे बात समझ में? ऐसे ही प्रोटॉन वाली जब कहानी अपन बात करेंगे, एनोड रे वाला आता है, तो उसके अंदर जब ये ऐसे जा रहा होगा, ये किधर बेंड होगा? समझ आ रहा है? ऐसे ही गामा रे है, फिर न्यूट्रॉन वाला है। न्यूट्रॉन वाला कहीं डिफ्लेक्ट नहीं होता, मतलब समझ आ रहा है उसका कोई चार्ज। एक्चुअल में क्या होता है कि ये पूरा डिस्चार्ज ट्यूब है, यहां पर एक प्लेट लगाते हैं जिसको बैटरी का नेगेटिव देते हैं, तो वो कैथोड हो गया। समझ आ रहा है? और यहां पर जो है दूसरा दूसरा टर्मिनल यहां लगाते हैं एनोड। तो अब यहां पर जो है ना वैक्यूम क्रिएटेड होता है, वैक्यूम होता है। तो हम लोग इतना ज्यादा वोल्टेज यहां पर देते हैं ना इसके बीच में, ठीक है, बहुत ज्यादा वोल्टेज क्या देते हैं? बहुत ज्यादा। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये वाला चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, और ये क्या है? नेगेटिव। तो ये इस प्लेट के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, समझ आ रहा, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं इधर, और उस प्लेट को छोड़ के किधर आ जाते हैं? बाहर। समझ आता है? और यहां पर जो है ना हमने वैक्यूम क्रिएट कर रखा हुआ है। क्या क्रिएट किया है? वैक्यूम, मतलब वैक्यूम पंप से सारा एयर निकाल लेते हैं हम लोग, ताकि एयर के साथ कोई एयर का जो है ना क्या नाम है आयनाइजेशन ना हो, ठीक है, और उसके लिए रास्ता खाली हो। तो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से निकलकर इधर जाता, तो अपने को एक स्ट्रीम जाता दिखाई देता है। समझ आ रहा है? वो स्ट्रीम क्या है? और ये सब हर एक में मिला मेरे को। मैंने कोई भी प्लेट, कोई भी मेटल का प्लेट लगा दिया, सब में मिल रहा है मुझे, मतलब इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट एवरीवेयर। समझ आ रहा है? अभी इसका पूरा बहुत डिटेल एक्सपेरिमेंट अपने को टेक्स्ट बुक में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि ये एक्सपेरिमेंट कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ है इससे, किसने किया है, बस इतना ही सब याद करना है। समझ आ रहा है? तो अभी देखो मेन मेन पॉइंट आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया? जे जे थॉमसन ने। किसने? जे जे थॉमसन ने। नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, उसके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। समझ गए बात को? कहानी खत्म, ठीक है। इससे ज्यादा और डिटेल में नहीं पढ़ना इसको, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल, आपको मालूम है कि एटम के अंदर क्या क्या पार्टिकल होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। ये रुदरफोर्ड की डिस्कवरी सभी को पता होगा। रुदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। किसने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस। और एक्चुअल में ना ये भी बोला जाता है कि इन द ईयर, देखो यहां पर, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड फाउंड इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल बाय थिन गोल्ड फॉइल, याद आ रही है ये वाला एक्सपेरिमेंट? क्लास 9th में किया हुआ है आप लोग ने इसको। ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट था इसका। देखो ये वाला डायग्राम देखो, आपको याद आ रहा है कि नहीं? अभी बनाया नहीं अभी, हाँ बनाने तो दे। ये ऐसे आपका यहाँ पर गोल्ड फॉइल होता था, और यहाँ पर आपका कोई रेडियो एक्टिव सोर्स होता था, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलता था, कौन?
अल्फा ज्यादातर सीधा सीधा चला जाता था, ठीक है, कुछ यहां पर जाता था, कुछ ऐसे, और कुछ कम बैक करता था। कुछ याद आ रहा है? गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट। कोई बात नहीं, नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं। आपको यहां पर क्या याद रखना है, सुनो, इसका एक्सपेरिमेंट का नाम था कि देखो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल से रुदरफोर्ड ने किसकी खोज किया था, न्यूक्लियस की खोज किया था। किसकी खोज किया था? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। एक एटम के पास सेंटर में कुछ तो भी होता है, वो न्यूक्लियस है। वो क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। तो क्लास 12 फिजिक्स में आपको ये एक्सपेरिमेंट है, इसके दो चेले का नाम है जिगर एंड मार्सडेन। तो 12th में फिजिक्स में आप करते हो उसको एक्सपेरिमेंट को, तो 9th में नहीं भी पढ़ा तो 12th में अभी आप कर लोगे। लेकिन फिलहाल अपने को यहां से याद क्या करना है, ए न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी? रुदरफोर्ड ने। और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किसने किया था, अगर ऐसा सवाल कभी बनता है तो फिजिक्स में ही बनेगा आपका, क्योंकि इसमें नाम नहीं दिया तो बनेगा भी नहीं। जिगर एंड फेफड़ा, जिगर एंड मार्सडेन। अब जिगर के साथ फेफड़ा अच्छा लग रहा है, मास्टर क्यों आ गया, ठीक है, जिगर कलेजा, जिगर। अच्छा क्या, ठीक है, ये यहां से ये नोट किया, ओके। अच्छा एक और बात सुनो बच्चों, इन्होंने एक और चीज क्या देखा, एक और चीज क्या देखा, ठीक है। अभी अपन प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में बात करने वाले। जब अल्फा पार्टिकल ना किससे पास होता है, कोई नाइट्रोजन गैस से पास होता है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, इससे पास हो रहा है, तो ये इसको ट्रांसम्यूट कर देता है। यानी एक एलिमेंट को, आप देखो यहां पर बात कर रहे हैं अपन रेडियो एक्टिव केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं, ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन नहीं। आपको याद है ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या बोलते थे, कोई एलिमेंट जो है वो उसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ पढ़ा था अपन ने, एलिमेंट का डेफिनेशन बाय एनी ऑर्डिनरी केमिकल चेंज। लेकिन रेडियो एक्टिव में चेंज हो जाता है, देखो अभी कैसे, ये एक नाइट्रोजन देख रहे हो, ये कन्वर्ट हो चुका है ऑक्सीजन में। नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया? तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया है, तो ये ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन नहीं है, रेडियो एक्टिव है। कैसा है ये? रेडियो एक्टिव। तो यहां पर जब हम लोग क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल को नाइट्रोजन गैस से पास करते हैं, तो ये क्या करता है, इसको ट्रांसम्यूट कर देता है। क्या कर देता है? ट्रांसम्यूट। देखो कैसे मैं बता रहा हूं, हाँ रुक जाओ, क्या आपको मैंने ये बता रखा है अल्फा पार्टिकल मतलब क्या, पहले ये समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में सवाल आ चुका है अल्फा पार्टिकल के ऊपर, ठीक है, और बहुत ही आसान सवाल था। अल्फा पार्टिकल मतलब क्या, आप साइड में कहीं पर ड्रॉ कर सकते हैं। अल्फा पार्टिकल के पास चार पार्टिकल होते हैं, अल्फा पार्टिकल के पास कितने पार्टिकल होते हैं? चार, दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं, सही है बात, बोलो। अच्छा अगर इसके पास दो प्रोटॉन है, तो अगर मैं इसका एटॉमिक नंबर लिखना चाहूं तो कितना होगा? दो। एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन का नंबर, कितने प्रोटॉन है, और एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है कि ऊपर लिखा जाता है? आपने ये क्लास 10th में सीखा होगा, कोई एक्स एलिमेंट है, ऊपर ए लिखा जाता है, नीचे जेड, जेड यानी होता है एटॉमिक नंबर, और ए यानी होता है एटॉमिक। इस चैप्टर में भी आप सीखोगे आगे चल के, लेकिन अगर पहले से पता है तो ये सब कहानी समझ आएगी। जेड आपका मतलब पी का नंबर होता है, हाँ, और ए यानी क्या होता है? पी प्लस एन, दोनों होता है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये तो अल्फा पार्टिकल है जिसके पास चार पार्टिकल होते हैं, दो प्रोटॉन है तो नीचे कितना लिखूं? दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन है, यानी चार है, ऊपर चार लिखूंगा। अब आपको ये समझ में आ रहा है ऐसा क्यों लिखा गया है, ठीक है। अच्छा एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा, ये अल्फा पार्टिकल जिसके पास दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है, आपको पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा एलिमेंट पता है जिसके पास भी दो दो प्रोटॉन हुआ करते हैं? हाँ, हेलियम। लिथियम कहां से आया रे भाई, लिथियम थर्ड नंबर पे आता है, हेलियम कौन आ जाएगा? अच्छा हेलियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर दो, एटॉमिक मास चार, वही तो है हेलियम, हाँ सॉरी हेलियम। अच्छा इसमें और इसमें डिफरेंस क्या पता है? ये एक एटम है,
समझ आ रहा है? और एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन भी तो होगा, मतलब इसके पास दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, और ये तो न्यूक्लियस में हो गया, और इलेक्ट्रॉन दो होगा, ये हो गया हेलियम एटम, समझ आ रहा है? और ये कौन हो गया? अल्फा पार्टिकल, सिर्फ इसके पास इतना है। तो क्या मैं इसको अल्फा पार्टिकल को हेलियम न्यूक्लियस बोल सकता हूं? क्योंकि इतना पार्ट हेलियम का न्यूक्लियस कौन है? यही तो है, बोलो। ओके, या ऐसे भी बोल सकता हूं, हेलियम एटम विदाउट इलेक्ट्रॉन। नाम समझो, अल्फा पार्टिकल को क्या क्या बोला जा सकता है? ऐसा बोल सकते हैं बिना इलेक्ट्रॉन के हेलियम, या हाँ हेलियम न्यूक्लियस बोल सकते हैं। कहानी समझ आ गई क्वेश्चन में, क्योंकि यही हेर फेर करता है और आपकी बत्ती गुल जाती है, ये क्या बात कर रहा है। ठीक है, ओके। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया सभी बच्चों को। ए इधर ध्यान दे जोहान, मस्ती नहीं, हाँ तेरा हाथ अपने पास ही रख, नहीं तो देख ठाकुर के पास हाथ है। तो ठाकुर बनना है, इधर ध्यान दे। ए फिर तेरे को ना एक नौकर रखना पड़ेगा रामलाल, समझा? जब भी सिग्नल आएगा ना तो फिर बोलेगा रामलाल, इधर ध्यान दे इधर। अभी ये कैसे कन्वर्ट होने वाला सुनो, जैसे ही अल्फा पार्टिकल आप इस नाइट्रोजन को फेंक के मारते हो, ठीक है, इसके पास 14 यानी ये 7 है ना, तो 7 प्रोटॉन है, और उसमें 7 और 7, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है, 7 7 14 हो रहा है। अच्छा, जैसे ही आप इसको फेंक के मारते हो तो क्या होता है, ये इसके अंदर एड अप होगा, और उसके बाद एक प्रोटॉन निकल जाता है। क्या निकल जाता है? अब आप बोलोगे ये क्या है, पता है आपको बच्चों? आपने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पढ़े? कितने आइसोटोप है हाइड्रोजन के? 3। पहला नाम क्या है? प्रोटियम। ए इधर ध्यान दे, पहला नाम क्या है? प्रोटियम। दूसरा ड्यूटेरॉन या ड्यूटेरियम। तीसरा ट्राइटियम। नहीं आ रहा बात समझ में? तो पहला वाला जो होता है वो मैं जरा बता देता हूं आपको, न्यूक्लियस में उसके पास सिर्फ प्रोटॉन होता है, और बाहर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है, समझ आ रहा है? तो प्रोटॉन कितना होता है? कि न्यूट्रॉन नहीं होता इसके पास, ये कौन होता है? H11। नहीं आ रही बात समझ में? ये एक प्रोटियम यानी प्रोटॉन बेसिकली। तो प्रोटॉन को मैं सिर्फ कैसे लिखूंगा, ये इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली सिर्फ प्रोटॉन, ठीक है। और एक प्रोटॉन किसके पास होता है? हाइड्रोजन के पास होता है ना, एक प्रोटॉन किसके पास होता है? हाइड्रोजन का, वो भी प्रोटियम के पास होता है, तो इसलिए H लिखा गया है। प्रोटॉन 1, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी 1, तो ये कौन हो गया? समझ में आ गया? दिस इज प्रोटॉन। H11 कौन है? प्रोटॉन है। अब देखो मैं इसको इलेक्ट्रॉन हटा देता हूं, यहां से इलेक्ट्रॉन हटा दिया, तो इसके पास प्रोटॉन एक ही है, न्यूट्रॉन तो है नहीं। इसका Z कितना होगा? 1, और A भी कितना होगा? 1 होगा, ये बाहर निकल जाता है। अब आपको चेक क्या करना है, ये 4 इसमें ऐड हुआ, 14 और 4 18 हो जाएगा, 18 में से एक चला गया 17, समझ आ रहा है? 7 और ये दो 9, 9 में से एक माइनस कर दो 8। अच्छा, अब ये 7 से बन चुका है 8, 7 से क्या हो गया ये, मुझे बताओ, एटॉमिक नंबर बदल चुका है? अगर एटॉमिक नंबर बदल गया है तो क्या एलिमेंट बदल नहीं जाएगा? 7 एटॉमिक नंबर था नाइट्रोजन का, 8 यानी नाइट्रोजन किसमें कन्वर्ट हो चुका है? यानी याद रखो, जब आप किसी नाइट्रोजन को अल्फा पार्टिकल फेंक के मारते हो, समझ आ रहा है, तो एक प्रोटॉन बाहर निकलता है और नाइट्रोजन ट्रांसम्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है? म्यूटेंट। सुना है आप लोग ने, सब सुपर हीरोज की मूवी देखते हो आप लोग, म्यूटेंट्स नहीं मालूम है? ठीक है, म्यूटेंट चेंज, बेसिकली म्यूटेशन हो गया, समझ आ रहा है? तो यहां पर 7 to क्या हो गया, ये 8, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो चुका। अंडरस्टूड? ओके, ये याद रखिए, दिस इज प्रोटॉन,
हाँ तो लेकिन एट के हिसाब से अपन बोल रहे हैं ना, ऑक्सीजन के भी तो आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन के आइसोटोप नहीं है बोल। अरे ऑक्सीजन के आइसोटोप भी हैं, क्लोरीन के हैं, हाइड्रोजन के हैं, समझ आ रहा है? ऐसे तो ऑक्सीजन का आइसोटोप, ऑक्सीजन तो बन गया ना। ऑक्सीजन किस बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा? एटॉमिक मास के बेस पर नहीं, एटॉमिक नंबर के बेस पर। 8 है तो ऑक्सीजन है, ठीक है। अच्छा सुनो, रदरफोर्ड फाउंड दैट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल ट्रांसम्यूटेड नाइट्रोजन इनटू ऑक्सीजन। इसने क्या फाइंड आउट किया कि अगर कोई फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल है, अगर ये नाइट्रोजन रास्ते में किसी नाइट्रोजन टकराता है तो उस नाइट्रोजन को किसमें ट्रांसम्यूट कर देता है, और उसी के साथ साथ कौन लिबरेट होता है? हाइड्रोजन लिबरेट होता है, और यही हाइड्रोजन मेरा कौन है एक्चुअल में? प्रोटॉन है ही, ये हेलियम नहीं है। ही फर्दर बोले हेलियम फर्दर शोड, अब कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ओके। तो यहां पर ही फर्दर शोड दैट अदर एलिमेंट कुड ऑल्सो बी ट्रांसम्यूटेड। इसने और भी दिखाया कि नाइट्रोजन नहीं, और भी एलिमेंट को क्या किया जा सकता है? ट्रांसम्यूट किया जा सकता है। बट हाइड्रोजन वॉज ऑलवेज एमिटेड, और हमेशा क्या निकलता है? हाइड्रोजन निकलता है, समझ आ रहा है? अच्छा ये सुनो बात को, ये जो एक्सपेरिमेंट है जिससे, जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किससे हुई थी? कैथोड रे से। और इसका कहां से होगा? एनोड रे से। कौन सा रे? एनोड रे। कौन सा? एनोड रे, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर जो है ना, आप जैसे कैथोड देख रहे हो एनोड, तो इधर पे एनोड होता है इस तरफ, ये जो कैथोड था ना यहां पर, वहां पर एनोड, और ऐसे जाएगा एनोड की तरफ से निकलेगा, या ऐसे ही समझ लो एनोड से ऐसे निकलेगा, ठीक है। सारे एक्सपेरिमेंट डिस्चार्ज ट्यूब से ही किए गए हैं। ये देखो, ये एक गोल्ड फॉइल वाला, ये अल्फा, यहां ये बॉक्स के अंदर क्या होगा पता है? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। इसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है? अल्फा पार्टिकल का सोर्स, यानी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, जैसे रेडियम, जैसे रेडियम। तो यहां पर कोई अल्फा पार्टिकल सोर्स होगा जिसके अंदर कंटिन्यूअसली अल्फा निकलता रहता है ऐसे, ठीक है। अब इस बॉक्स में हम लोग ने वो एक होल कर दिया है, यहां पर हम लोग लगा देते हैं लेड की प्लेट। वो क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसके बीच में होल रहेगा या गैप रहेगा ऐसे, और वहां से अल्फा पार्टिकल जो सीधा सीधा निकलेगा वो यहां पर, ये दिख रहा है, व्हाट इज दिस? गोल्ड फॉइल। क्या ये? हमने इस एक्सपेरिमेंट में जिगर मार्सडेन ने क्या देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा भाग जाते हैं। कहां भाग जाते हैं? सीधा सीधा। कुछ जो है वो एंगल ग्रेटर देन 1 डिग्री या फिर 90 डिग्री और फिर 180 बाउंस बैक होते हैं, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ, अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहां पर आप लोग बैठे हुए हैं, हाँ, एक एक बंदा बैठा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और ऐसे इसको खड़ा कर देना, फॉर एग्जाम्पल खड़े हो जाओ जरा, ठीक है। आप सुनो, क्लास का साइज इतना बड़ा है, ठीक है, और यहां पर जो है ना एक पार्टिकल बैठा हुआ है, अब कौन है वो मालूम नहीं मेरे को। सुनो, मैं यहां से बॉल फेंक फेंक के मार रहा हूं अल्फा पार्टिकल, अब देखो यहां से अगर जाता है तो सीधा सीधा चला जाएगा, यहां से जाता है सीधा सीधा चला जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इधर आता है थोड़ा सा ऐसे लग के, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यहां जाता है इस कॉर्नर पे तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन अगर सीधा जाता है ऐसे तो बाउंस बैक होगा। क्या होगा? बाउंस बैक। अभी बैठ जा, सुनो, ये जो आप गोल्ड फॉइल देख रहे हो यहां पर, और एक इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज किया गया और दूसरा क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? तो इसका रीजन है, गोल्ड फॉइल का मेलियबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। अब बताओ मेलियबिलिटी क्या होता है? बराबर, एबिलिटी टू बी विदड्रॉन इन टू अ थिन शीट, मतलब हथौड़ा मार के इसको बहुत चपटा कर सकते, बहुत पतला बना सकते हो आप, इतना पतला बना सकते हो कि सिंगल सिंगल एटम का लेयर बनेगा, एक एटम के पीछे और आगे कोई एटम नहीं होगा, इतना पतला बना सकते। नहीं समझे बात को? नहीं, एटम है रे वो, आंख से कैसे दिखेगा तेरे को? तेरे को पतला शीट दिखाई देगा। कुछ आया बात समझ में? क्या बोल रहा हूं? गोल्ड फॉइल क्यों यूज किया अगर ऐसे सवाल पूछा तो? बराबर, हाईएस्ट मेलियबिलिटी होती है, इसकी मेलियबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अभी बहुत सारा इसका चीजें हैं वो अपन जान ही रहे, अपन फिजिक्स में उसको बात करेंगे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अच्छा ये जो हाइड्रोजन निकला ना, सुनो,
ये जो हाइड्रोजन बाहर निकला उसका नाम क्या नाम है, रुदरफोर्ड ने क्या नाम दिया उसको, प्रोटॉन नाम दिया। अंडरस्टूड? ठीक है, इतनी कहानी समझ आ रही है क्या बोला? यानी न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी रुदरफोर्ड, प्रोटॉन का भी रुदरफोर्ड। ठीक है, ऑन दिस बेसिस रुदरफोर्ड प्रपोज दैट द हाइड्रोजन न्यूक्लियस मस्ट बी कंटेन इनसाइड द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल द एलिमेंट। हाइड्रोजन न्यूक्लियस वॉज रीनेम्ड एज प्रोटॉन। हाइड्रोजन का बाद में नाम क्या दिया गया? प्रोटॉन नाम दिया। नेक्स्ट, ये सुनो, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया? जेजे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन, जेम्स चैडविक। अगर ये क्या नाम है, हमारा कोई इंडियन साइंटिस्ट होता तो उसका नाम क्या होता? हाँ, चौधरी। ठीक है, तो यहां पर अगर ये कोई इंडियन साइंटिस्ट होता तो इसका नाम क्या होता? इससे मिलता जुलता बनाओ, जमाल चड्डा। हाँ, या जमना लाल चड्डा लाल, ऐसे ही कुछ होता ना। हाँ, भाई के साथ फिर चड्डा लाल नहीं अच्छा लगेगा। ओके, नाम याद रखिए, जेम्स चैडविक। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया? ठीक है, इतना हाईलाइट कर लो। एक्चुअल में इसके एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, एक मेरे पास पोलोनियम, पोलोनियम पड़ा है ना, रेडियो एक्टिव, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पोलोनियम कहाँ पड़ा है, कौन से ग्रुप में, किसी को याद है? हाँ, पो, ओ से टेपो, 16 ग्रुप, 16 ग्रुप में नीचे आता है पोलोनियम। एक रेडियो एक्टिव सोर्स है क्या ये, तो अपने अंदर से ये भी क्या निकलता है, अल्फा पार्टिकल। क्या निकलता है? अब रेडियो एक्टिव क्या क्या करते हैं, ये तीन चीज में अपना डीके करते हैं, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अलग से हमारे पास इसी केमिस्ट्री के अंदर एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री करके चैप्टर है, वहां पर ये डीके बात करोगे, अल्फा बीटा और गामा। सेम चीज फिजिक्स में 12th में आएगी, तो 11th में सीख लोगे चीजें, तो दोनों कंबाइन करके चीजें कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। ये सुनो, बेरिलियम सुना होगा आप लोग ने, एटॉमिक नंबर 4। उसकी शीट से जब मैं इसको पास करता हूं अल्फा पार्टिकल, ये उससे टकरा के उसके बाद क्या निकलता है, न्यूट्रॉन। क्या निकलता है? फिर ये न्यूट्रॉन पैराफिन ऑयल के से पास होके क्या निकलता है, प्रोटॉन। तो हमने देखा कि ये वाला एक चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का चार्ज वैसे याद रखना पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। सोचो कैसे, सोचो कैसे, अल्फा पार्टिकल मतलब कितने पार्टिकल बताया मैंने, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। का तो चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन का क्या चार्ज होता है, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होगा? समझ गए, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स नो चार्ज। तो ये जो आप देख रहे हो यहां से न्यूट्रॉन निकल रहा है, देख रहे हो, इसका जब हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के इसका इसको चेक किया तो ये कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब इसका कोई चार्ज नहीं है। अंडरस्टूड? अच्छा, इसको ना प्रेडिक्ट किया था, न्यूट्रॉन को प्रेडिक्ट किया था पहले ही रुदरफोर्ड ने, लेकिन एक्चुअल में डिस्कवरी किसने किया फाइनली? ठीक है, ही नेम दिस पार्टिकल एज न्यूट्रॉन। ठीक है, बस इतना याद रखना, ये अंडरलाइन करो और ये चीज कर लो बस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इतना ही पढ़ना, देखो आप बहुत लाइन टू लाइन पढ़ने जाओगे अभी, क्योंकि उतना डिटेल में दिया नहीं है तो उतना पढ़ के मतलब नहीं है, तो हर एक चीज ना पूरा एक्सपेरिमेंट एकदम लाइन टू लाइन एक्सप्लेन होना चाहिए, बहुत बड़ा हो जाता है चैप्टर। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, कौन सा एक्सपेरिमेंट है, किसने क्या इन्वेंट किया है, साइंटिस्ट का नाम और उसने क्या इन्वेंट किया है, इतनी चीज पढ़ लोगे तो क्या नहीं, ईयर याद रखने की जरूरत नहीं अपने को। ठीक है, ईयर याद रखने की जरूरत नहीं। आप नेक्स्ट देखो, ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, पता है, लेकिन ये फिर से रिकॉल करने की जरूरत है।
इलेवेंथ में, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अभी तक 10वीं में किसी को नहीं पता था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, तो एटलीस्ट अभी टाइम आपके पास क्या, अभी याद कर लो, अभी समझ लो, ठीक है। अब सुनो, बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूं मैं आपको एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। मैं पहले आपके सामने एक एटम बना देता हूं, क्या बना दे रहा हूं आपके सामने, एक एटम। एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और उसके सराउंडिंग में कौन गोल घूमता है, इलेक्ट्रॉन। सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसके होता है प्रोटॉन होता है, और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। समझ गए बात को? अच्छा, एक एटम के पास जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोटॉन है तो एक, दो प्रोटॉन है तो, अच्छा इलेक्ट्रॉन का नंबर सॉरी न्यूट्रॉन का नंबर समटाइम इसके बराबर होता है, समटाइम होता भी नहीं है, समझ आ रहा है? तो न्यूट्रॉन और इसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा हमेशा वाला। प्रोटॉन जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा एटम के पास, आयन के पास नहीं। मैं इसलिए एटम स्पेसिफाई कर रहा हूं, अगर उसके पास कोई चार्ज होगा पॉजिटिव और नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा। वो सब कहानी अपन आयन में बात करेंगे बाद में, अभी फिलहाल याद रखिए किसी एटम के पास सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यानी न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करता है। अगर वो एटम है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्या होता है, बराबर रहता है। अगर वो आयन है तो इलेक्ट्रॉन की कमी बेशी हो सकती है, प्रोटॉन लेकिन उतना ही रहने वाला है, इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो सकता है। तो अगर मुझे एटॉमिक नंबर को डिफाइन करना है, किसको डिफाइन करना है, एटॉमिक नंबर को डिफाइन करना है, मैं किसका सहारा लूंगा, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का, जो इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो सकता है लेकिन प्रोटॉन कभी कम ज्यादा नहीं होगा। ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन में कभी प्रोटॉन चेंज नहीं होता है, प्रोटॉन का सहारा। तो एटॉमिक नंबर क्या है, इसका सिंबल पहले तो आप याद रखो जेड है, क्या है, जेड। इट इज जस्ट, याद रखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, इतना याद रखो कि कहानी क्लियर है। प्रोटॉन का नंबर ही एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन का नंबर ही एटॉमिक नंबर। ये जहां टॉपिक चल रहा है वहां पर शॉर्ट में लिख के रखो, आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा एटॉमिक नंबर क्या है। ए व्हाट इज एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन कितने हैं, 10 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 10 है, 5 प्रोटॉन है एटॉमिक नंबर 5 है, बहुत ही सिंपल है। कहानी समझ आई, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। डिफाइन जब करोगे तो आप बोलोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, पूरा डेफिनेशन ऐसा हो जाएगा। शॉर्ट में क्या याद रखना अपने को, जो लॉन्ग टर्म तक याद रहे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एटॉमिक मास पूरा नंबर लिखा जाता है इसको, लेकिन शॉर्ट में हम लोग नंबर नंबर कंफ्यूज ना हो इसलिए सिर्फ एटॉमिक मास बोला करते हैं। इसका सिंबल होगा बच्चों ए, एंड व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर, या एटॉमिक मास बोलो, सिर्फ नंबर ऑफ पी प्लस एन, समझ आ रहा है, ऐसे लिख देता हूं ब्रैकेट में, पी प्लस एन शॉर्ट में याद रख सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का सम, सम ऑफ प्रोटॉन, सम समझ आ रहा है, ऑफ प्रोटॉन, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, अंडरस्टूड, बोलो समझ आ गया, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। ओके, एटम का मास बताने के लिए इलेक्ट्रॉन का मास नहीं इंक्लूड किया गया, इसका रीजन आपको पता होगा, क्या रीजन है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, उसका एडिशन इसमें कोई फर्क नहीं डालेगा, नेग्लिजिबल होता है इनके मास के कंपैरिजन में, ये रीजन है। इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी वेरी लाइटर देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, समझ आ रहा है, बहुत ही हल्के होते हैं, ऐड करेंगे ये, आई होप ये समझ में आ गया सभी बच्चों को। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, अगर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिखना है तो ऊपर होता है आसमान, नीचे होती है जमीन, समझ आ गया, आसमान किधर होता है, तो आप ए ऊपर लिखोगे यानी एटॉमिक मास ऊपर लिखोगे, और नीचे जेड यानी एटॉमिक नंबर लिखो, जैसे अभी आप एग्जांपल देख रहे थे, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन था हमारे पास एग्जांपल 7 और ऊपर 14, तो यहां पर एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास नंबर हो गया, कहानी खत्म हो गई, आई होप समझ में आ गया। अच्छा, और एक चीज,
न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है याद रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समझ आ रहा है? मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले पार्टिकल कौन है, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है। तो मैं किसी के भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, न्यूक्लियॉन्स बोलूंगा उनको। क्या बोलूंगा, दोनों को। मैं अगर प्रोटॉन को बोलूं तभी भी उसको न्यूक्लियॉन बोलूंगा, न्यूट्रॉन को बोलूंगा तभी भी न्यूक्लियॉन्स बोलूंगा। न्यूक्लियॉन्स क्यों, कि न्यूक्लियस में रहने वाले। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदरली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स, याद रखिएगा। यहां पर आपको इसका डेफिनेशन में ये नोट कर लिया, यहां पर ये सब चीज है यहां पर, लेकिन मैं अलग से आपको बता दिया ताकि चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, किधर गया, ये देखो क्या लिखा है, एटॉमिक नंबर जेड, क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या क्या लिखा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बेस पे डेफिनेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, गेन कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो सकता है, तो प्रोटॉन वाला ही अपने को याद रखना है। जब तक वो एटम है जब तक ठीक है, लेकिन अगर वो आयन हो गया तो फिर ये गलत हो जाएगा। ओके, इधर आ जाओ, एटॉमिक मास नंबर या सिर्फ मास नंबर या सिर्फ एटॉमिक मास, तीन नाम बोल सकते हैं इसको। देखो तीन वर्ड है, एटॉमिक मास नंबर, आप सिर्फ एटॉमिक मास बोल सकते हो, आप सिर्फ मास नंबर बोल सकते हो, एटॉमिक नंबर मत बोलना वो अलग है, पूरा नाम बोल सकते हो, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास या मास नंबर, समझ आ रहा है? पूरा नाम बोलो, या तो अगर एक छोड़ के बोलना है तो एटॉमिक मास या मास नंबर, ठीक है, सब एक ही चीज है, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे, टीचर ने कुछ को अलग पढ़ाया, मैंने कुछ अलग पढ़ाया, इधर कुछ अलग लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा इस बात को। आप चाहे तो यहां लिख के रख सकते हो, ये देखो पूरा नाम क्या लिखा है, एटॉमिक मास नंबर, इधर क्या लिखा हुआ, ओनली, समझ आ रहा है? ये मैंने क्या बताया आपको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है ना ये, तो वही तो है पी प्लस एन। अच्छा एक बात सुनो, पी मतलब कौन होता है, प्रोटॉन का नंबर कौन होता है, जेड, प्रोटॉन का नंबर कौन होता है, तो प्रोटॉन के नंबर को क्या लिख दिया, नहीं समझा, ऊपर ही पढ़ा हमने, ए व्हाट इज एटॉमिक नंबर, जेड, वो क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर, तो प्रोटॉन के नंबर को जेड भी तो लिख सकते हैं। ओके अच्छा, और एक बात सुनो, न्यूट्रॉन के नंबर को जो है ना कैपिटल एन सिंबल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कैपिटल एन लिखते हैं। इसका मतलब आपका ए जो है वो किसके बराबर हो गया, देखो यहां पर Z प्लस एन, ए किसके बराबर हो गया, Z प्लस, सिंपल हो गया, ए किसके बराबर हो गया। अच्छा अगर आपको फॉर एग्जाम्पल एन, मैंने आपको ये दो नंबर दे दिया आपको, आपको पता है किसी एलिमेंट को जब लिखूंगा मैं तो आसमान और जमीन तो लिखूंगा, और अगर आपको न्यूट्रॉन का नंबर क्वेश्चन निकालने बोलता है, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन दिस एलिमेंट, तो आप क्या करोगे, Z को यहां भेजता हूं, ए माइनस जेड इज इक्वल टू एन आ जाएगा, यानी एन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, कौन है ये, तो आपको सिंपली आसमान में से जमीन को माइनस कर देना है। न्यूट्रॉन का नंबर निकालने के लिए क्या करोगे, आसमान माइनस जमीन, याद रहेगा सबको, ए माइनस जेड याद नहीं होता है तुम लोग को, आसमान से जमीन निकालना याद रहेगा, वो जो कर नहीं पाओगे कभी। हाँ ओके, सुनो बात को, ए फॉर्मूला याद रहेगा सभी बच्चों को, न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालोगे, ए माइनस जेड करके, नहीं अच्छा मैं एक नंबर देता हूं आंसर बताइएगा, न्यूट्रॉन का नंबर बताओ, सिक्स, ट्वेल्व माइनस सिक्स, सिक्स, समझ आ रहा है डायरेक्ट क्या कर रहे हो आप। ठीक है, अभी एक ऑक्सीजन हम लोग ने आइसोटोप देखा था, नाइन आ जाएगा, अंडरस्टूड, एट आ जाएगा, आई होप समझ में आ गई कहानी। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हाईलाइट कर लो, किसी एलिमेंट को कैसे लिखा जाता है, ऊपर आसमान नीचे जमीन। इसको न्यूक्लाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्हाट इज न्यूक्लाइड करके आ सकता है, एटम और न्यूक्लियस हैविंग अ यूनिक कंपोजिशन एज स्पेसिफाइड दिस, इट इज कॉल्ड न्यूक्लाइड। न्यूक्लाइड का डेफिनेशन देख लो,
ए इधर आ जाओ, ये क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन देख रहे हो सभी बच्चे? फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, देख लो यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड इसका सॉल्यूशन में ये लिख दिया आपने आर्गन 40 और ये क्या हो गया, आपको बताया ये कौन होता है, ये कौन होता है, बराबर है। पहला सवाल आपको क्या पूछा है, एटॉमिक प्रोटॉन का नंबर पूछा हुआ है। अब सुनो मैं लिखता हूं जेड इज इक्वल टू कौन होता है, नंबर ऑफ पीछे कैसा लात मारा पीछे, हो गया ए। उसके बाद क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर आपको पता है, फॉर एन एटम, अभी मेरे पास ये कोई एटम है, कोई आया ना क्या, कोई चार्ज दिखाई दे रहा है, तो फॉर एन एटम नंबर ऑफ फॉर एन एटम ऐसे लिख दो आप, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटीन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कुछ आई बात समझ में, जितना प्रोटॉन उतना ही। उसके बाद क्या बोला, न्यूट्रॉन, ए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कैपिटल एन, इसका फॉर्मूला है आसमान माइनस बराबर, ए मेरा कितना है 40 और ये कितना है, कितना आ गया, खत्म हो गया, कितने आसान है, सिर्फ प्लस माइनस करना है, आपको पता होना चाहिए कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ आई बात समझ में, आगे करें। चलो नेक्स्ट, अब ये यहां पर ना आपको तीन डेफिनेशन पढ़नी है यहां से, ए सुनो कितनी डेफिनेशन पढ़नी है, तीन, कौन कौन सी है देखो यहां पर, ये बहुत ही आसान है जो तीन दिया गया आपको, इसके अलावा भी होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं जो आपको नहीं पढ़ना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आगे चल के इस चैप्टर के लास्ट में आएगा, आइसो डाइफर्स होते हैं जो अपने नीट में पढ़ रखा हम लोग ने, आपको स्टेट बोर्ड में सिर्फ इतने तीन पढ़ना है और एक लास्ट में आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ोगे। तो पहला है आइसोटोप, समझ आ रहा है, फिर कौन है आइसोबार और फिर कौन है आइसोटोन। अब देखो आइसोटोप्स कौन होते हैं, आइसोटोप का इंट्रोडक्शन क्लास 10th में आ चुका है आपको, लेकिन मान लो आपको नहीं आता है या भूल गए होंगे, सुनो इसके नाम में ही छुपा होता है आइसोटोप, खत्म किधर हुआ ये पो पे, प्रोटॉन सेम होगा, आइसो मतलब सेम होता है, आइसोटोप आइसो यानी सेम, प्रोटॉन सेम, जिसका प्रोटॉन सेम वो आइसोटोप्स होंगे, जिसका प्रोटॉन सेम वो, कहानी समझ आ गई, ठीक है, और प्रोटॉन सेम रहते हैं, न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट रहता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आइसो बार, अच्छा मुझे एक बताओ बार यानी, बार हम लोग वेक्टर सीखा ना अपने, कहां लिखते हो ऊपर, सही है, आप सुनो जब हम लोग एलिमेंट को लिखते हैं तो ऊपर क्या लिखते हैं, ए यानी ए लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं जेड, सही है, जिसका ए सेम, बार यानी ऊपर वाला ए, जिन एलिमेंट्स का ए सेम होगा जेड डिफरेंट रहेगा, एक चीज सेम तो दूसरी डिफरेंट होने वाली, जिसका ए सेम दिखाई दे रहा है वो आइसो बार्स है, बार यानी ऊपर वाला ए सेम रहेगा, अभी एग्जांपल बताऊंगा एकदम क्लियर हो जाएगा। ए सुनो तीसरा है आइसोटोन, इधर खत्म हुआ ये, स्पेलिंग मत देखो बोलने पे, टोन न पे खत्म हुआ, न्यूट्रॉन सेम, समझे बोलो, प्रोटॉन सेम तो आइसोटोप, ऊपर वाला सेम तो यानी एटॉमिक मास सेम तो आइसोबार, आइसोटोन, न्यूट्रॉन सेम तो आइसोटोन, सिंपल इतना समझ में आ गया। अब अपने को डेफिनेशन देखने और एग्जांपल्स देखने, तीनों बता रहा हूं टेंशन मत ले।
ये रहा डेफिनेशन। ये इसको डेफिनेशन ये हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड में किया हुआ है, इसको मार्क करो। किसका डेफिनेशन है ये? पढ़िए, आपको समझ आ रहा है कि नहीं? ऑल द आइसोटोप, जितने भी आइसोटोप्स होंगे ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा, ये एक ही एलिमेंट का होता है। आइसोटोप्स किसके होते हैं? एक ही एलिमेंट के दूसरे दो तीन भाई रहेंगे, बराबर। जैसे हाइड्रोजन का मैंने तीन आइसोटोप बात किया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, हाइड्रोजन का ही है ना। हाँ, तो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट क्या नाम है, आइसोटोप्स होते हैं, याद रखिए। तो आइसोटोप्स मैं एलिमेंट बोल रहा हूँ, एक एलिमेंट के आइसोटोप्स, डिफरेंट आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। और आपको यह बात भी मालूम है कि अगर प्रोटॉन का नंबर सेम है तो वो एक ही एलिमेंट होगा। प्रोटॉन का नंबर एक है तो वो हाइड्रोजन ही होंगे ना, सब हाइड्रोजन के भाई भाई होंगे। ओके, बट डिफरेंट नंबर ऑफ इन देयर न्यूक्लिया, मतलब न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन सेम होंगे, न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। खत्म हो गई बात। शॉर्ट में क्या बोलोगे? व्हाट आर आइसोटोप? प्रोटॉन सेम, न्यूट्रॉन डिफरेंट, और ये एक ही एलिमेंट का होता है। क्या होता है? एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, आपको जितना बता रहा हूं उतना ही ध्यान रखिएगा बच्चों। डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, इतना कर लिया, कहानी खत्म हो गई। लाइन टू लाइन पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लाइन टू लाइन कौन रीड करे, इसको समझना है खुद से। अब आपको मैं समझा दिया ना क्या है, आपको डेफिनेशन याद करना है और उसके बाद एग्जाम्पल्स याद करना, क्योंकि तो एग्जाम्पल पहचानने के लिए आ सकता है। जैसे मुझे बताओ, ये एग्जाम्पल देखो, ये कार्बन 12 है, C12 बोलते हैं क्योंकि एटॉमिक मास 12 है इसका। ये कार्बन 13 है, ये कार्बन 14 है, ये कार्बन के तीन आए, एक ही एलिमेंट है ना। लेकिन देखो ऊपर का नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा है, डिफरेंट एटॉमिक। देखो मुझे एक चीज बताओ, सुनो। हाँ, आप इसके डेफिनेशन दो तरीके से बोल सकते हो, ठीक है? सुनो, आप बोल सकते हो आइसोटोप्स आर दी एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। व्हाट इज दिस? एटॉमिक नंबर सेम है, व्हाट इज दिस? तो डिफरेंट एटॉमिक मास, ये दूसरा डेफिनेशन भी बोल सकते हो। और सुनो, आपको पता है कि अगर जेड सेम है सबका, सॉरी, तो ये तो पी का नंबर होता है, प्रोटॉन सेम, सही है? अच्छा, ये अगर डिफरेंट है तो इसको जब माइनस करके आप एन निकालोगे, 6, 7, 8, ये डिफरेंट हुआ, समझ आ गया? जो ऊपर डेफिनेशन पढ़ा वो भी बोल सकते हो, और एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर के बेसिस पर भी बोल सकते हो, ठीक है? बोथ आर करेक्ट। लेकिन कौन सा वाला ज्यादा आसान होगा, जो नाम से मिलता जुलता है? हाँ, प्रोटॉन वाला, आइसोटोप। प्रोटॉन सेम, न्यूट्रॉन डिफरेंट, प्रोटॉन सेम, न्यूट्रॉन डिफरेंट, ठीक है? यहां पर इन्होंने कैलकुलेट करके बताया हुआ है आपको, सिर्फ मैं एग्जाम्पल बताने के लिए यहां पर बताया। जेड 6 है, ठीक है, और एटॉमिक मास कितना है? न्यूट्रॉन कितना आ गया? देखो 6, 7, 8, जेड सेम मतलब प्रोटॉन का नंबर ये हो गया, और न्यूट्रॉन का नंबर देखो डिफरेंट है। प्रोटॉन का नंबर सेम, न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट। अच्छा, उसके साथ साथ नेचर में ना इसके अबेंडेंस मतलब क्या होता है, ठीक है? हाँ, मतलब कितना परसेंट ये प्रेजेंट होता है नेचर में। अगर मान लो मेरे पास बहुत सारे कार्बन मिले, उस कार्बन में 98.9% कौन सा होगा? कार्बन 12, और 1.1% कौन होगा? कार्बन 13, और बहुत ही कम 0.00017% कार्बन 14 होगा, जो कि कार्बन डेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं अपन, समझ आ रहा है? रेडियो एक्टिव होता है ये। कैसा होता है? रेडियो एक्टिव होता है। तो स्टेबल, स्टेबल, और ये वाला रेडियो एक्टिव है तो अनस्टेबल होता है। कोई भी रेडियो एक्टिव है तो स्टेबल नहीं होता, वो अनस्टेबल होता है, समझ गए? सवाल ऐसे भी हो सकता है कि कार्बन के तीन आइसोटोप में रेडियोएक्टिव कौन होता है? कार्बन 14। अंडरस्टूड? कहानी समझ आ रही है? ओके, दूसरा डेफिनेशन, आइसोबार्स। आइसोबार्स मैंने यहां पर क्या बताया था आपको? आसमान सेम, जमीन डिफरेंट, सही है? अच्छा, अगर जमीन डिफरेंट हो गई, ए उसको बाहर, तू बाहर निकल, हमजा बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। मैंने क्या बोला था बच्चों? एटॉमिक मास नंबर बार वाले में आसमान सेम, जमीन डिफरेंट, मालूम है ना? इधर
कितने बार बोला तुम लोग च्युइंगम नहीं खाने का क्लास में? हाँ, बाद में जब खाके हो जाता है तो नीचे चिपका के चले जाते। अब जब पकड़ा जाता है ना चोर, पहली बार ही बोलता, पहली बार ही चोरी कर, वैसे लात मारो, जल्दी थूक क्या उसको। अब नेक्स्ट टाइम किसी को देखा ना, इधर एक पसली पे मारो, दूसरी पसली में मिल जाएगी जाके। सुनो ये सुनो बच्चों, हाँ आसान डेफिनेशन है, अगर आपको मेन मुद्दा पकड़ में आ गया कि क्या बोलना है आपको। ये मुझे बताओ, जेड डिफरेंट है तो क्या सेम एलिमेंट का हो सकता है? ये अभी डिफरेंट एलिमेंट होंगे, उनके एटम्स होंगे, समझ आ रहा है? क्या लिखा हुआ है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एलिमेंट ही अलग हो जाएगा यहां पर। वहां पर अपन ने एक ही एलिमेंट का बात करा, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के आइसोटोप बात कर रहे थे। ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन लिखते वक्त यहां गड़बड़ कर देते हो आप, इधर का उधर मिक्स कर देते हो, उधर का इधर कर देते हो, तो वही गड़बड़ हो जाता है। मैंने तो आपको ये बात ध्यान रखना है, एग्जाम्पल बताऊंगा तो समझ आएगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, मास नंबर मतलब कौन, एटॉमिक मास नंबर या सिर्फ एटॉमिक मास या मास नंबर, समझ आ रहा है? बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर यानी जेड डिफरेंट होगा, आर कॉल्ड आइसोबार्स। एग्जाम्पल्स ये देख लो, 14 14 6 7, 6 से तो कार्बन है, 7 है तो नाइट्रोजन है, डिफरेंट एलिमेंट हुआ कि नहीं? लेकिन इनका क्या सेम है? आसमान सेम है और जमीन क्या है? अलग है। क्या बोलेंगे? आइसोबार्स। समझ गए? कोई दाऊद भाई आगे सुनो बच्चों, अब बचता है मेरे पास कौन? आइसोटोन, पढ़ लो डेफिनेशन पढ़ लो, नाम में छुपा है यार, बोलते हैं ना नाम में क्या रखा है, नाम में ही सब कुछ रखा है। आइसोटोन न्यूट्रॉन सेम रहेगा, सही है। अच्छा ए सुनो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, इन दैट न्यूक्लियस इज कॉल्ड आइसोटोप। एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ए यहां पर बोरॉन है या कार्बन है, डिफरेंट एलिमेंट है। अच्छा इनका आसमान भी सेम नहीं है, आसमान सेम होता तो आइसोबार होता, ठीक है, जमीन भी सेम नहीं है, आइसोटोन होता अगर जमीन सेम, दोनों ऊपर नीचे दोनों सेम नहीं है, क्या चेक करने का? 11-5 12-6, ये क्या निकल कर आया? न्यूट्रॉन को कैसे निकालते हैं मालूम है? आसमान माइनस जमीन करके। तो दोनों देखो यहां पर आसमान माइनस जमीन करके छक्का छक्का आ रहा है, ओके, तो ये कौन हो गया? आइसो टोन हो गया। आसान है ना समझना, ठीक है। अब इसको जैसे मैं बता रहा हूं ना ऐसे ही याद करोगे तो ये लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगा। हाँ अच्छा, रुदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था ना, बढ़िया था, लेकिन उसके अंदर जो है ना क्या दिक्कत थी सुनो, इसने एक चीज क्या गलत बोल दिया था अपने थियरी में, सुनेंगे सभी बच्चे। इसने बोला, इसके स्ट्रक्चर डिफाइन करते वक्त इसके मॉडल में इसने बताया कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड में रिवॉल्व करता है, लेकिन अगर इसको अगर अंदर आना है, लोअर ऑर्बिट में आना है, तो इट विल टेक अ स्पाइरल पाथ। कैसा लेगा? स्पाइरल पाथ, मतलब जलेबी जैसा था, जलेबी कैसे देखते हो आप? ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, अगर इसको मान लो ये लोअर ऑर्बिट में आना है इधर, तो ये कैसा लेगा? ऐसे ऐसे घूम घूम के आएगा, समझ आ रहा है? ऐसे इट विल टेक स्पाइरल पाथ, ये रुदरफोर्ड ने बोला था। क्या बोला था? अब इस स्पाइरल पाथ वाली कहानी से एक चीज क्या गलत हो जा रही सुनो, कि अगर ये स्पाइरल पाथ लेगा तो ये तो कंटिन्यूअसली ऐसे एनर्जी निकालता रहेगा और धीमे धीमे अंदर आता रहेगा, और फाइनली इट विल फॉल बैक टू दी न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में अगर गिर गया तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एटम जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा, और हमारे पास नेचर में
ज्यादातर एलिमेंट क्या है, स्टेबल है, बहुत कम अनस्टेबल है जो कि रेडियो एक्टिव है। सारे रेडियो एक्टिव है क्या? नहीं, ज्यादातर 118 एलिमेंट में क्या है आपके, स्टेबल है, समझ आ रहा है। और हमारे पास कुछ ही जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि अनस्टेबल होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सारे एटम अनस्टेबल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये वाली थियरी क्या हो गई, गलत हो गई। अब इसके बाद कहानी शुरू होगी बोर की। किसकी कहानी शुरू होगी? तो ये रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया एटम को एक्सप्लेन करने में। हाँ, लेकिन इसने न्यूक्लियस की खोज कर दी, वो बहुत अच्छी बात है। प्रोटॉन की खोज हो गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये एटम को, एटम का स्ट्रक्चर बताने में कामयाब नहीं हुआ। एटम का स्ट्रक्चर बताने में कामयाब पूरी तरीके से। तो इसकी कौन सी बात गलत थी, ड्रॉबैक समझ आ रहा है? कि इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ लेता है अगर इसको हायर टू लोअर ऑर्बिट में आना है तो, ये गलत बात थी। अच्छा, इसको बोर ने, अच्छा एग्जाम में अगर आपको, एग्जाम में अगर आपको पूछता है राइट द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो आपको सिर्फ दो स्टेटमेंट लिखना है छोटा छोटा। सुनो, एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अबाउट द न्यूक्लियस विड फॉलो अ स्पाइरल पाथ टू द न्यूक्लियस। ये क्या बोल रहा है, स्पाइरल पाथ लेगा, और ये इसका ड्रॉबैक है। इट कैन बी सीन दैट द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हैज एन इंट्रिंसिक इनस्टेबिलिटी। इसके अकॉर्डिंग हर एक एटम क्या होगा, अनस्टेबल होगा, इनस्टेबिलिटी की तरफ बता। हाउएवर रियल एटम्स आर, तो यहां से लेकर, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आपका फर्स्ट पॉइंट लिख दोगे आप, ठीक है। सेकंड, सेकंड सीरियस ड्रॉबैक इसका क्या है, इंट्रिंसिक मतलब प्योर, इंट्रिंसिक का मतलब लिख के रखो अगर किसी को नहीं, प्योर। ये सेकंड सीरियस इसका ड्रॉबैक क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, कैसे होंगे वो डिस्क्राइब नहीं किया, मतलब इलेक्ट्रॉन का पीछे बॉयज क्या नहीं बताया बच्चों, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रिवॉल्व कर रहे होंगे या कहां होंगे, कैसे घूम रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया। अंडरस्टूड? तो इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं बताया, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया। और उसकी एनर्जी क्या होगी, अगर इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में तो उसकी क्या एनर्जी होगी, अगर हाई दूर है तो क्या एनर्जी होगी, तो एनर्जी नहीं बताया और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया। सेकेंड सीरियस ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल इज दैट इट डज नॉट डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एंड देयर एनर्जीज। समझ गए? इतना दो पॉइंट लिखोगे, दो मार्क के लिए आपको पूछा जाएगा। वो पूरा जो पहला पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ ना, वो सिर्फ समझाने के लिए है, पूरी कहानी पुरानी वाली। क्या प्रिडिक्ट करना मतलब होता है भविष्यवाणी करना, समझ, पेश गोई करना, ये उर्दू वर्ड है, हिंदी में भविष्यवाणी करना, पहले से बता देना। द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल वॉज, या फोरकास्ट इंग्लिश में अगर मीनिंग लिखना चाहता है फोरकास्ट लिखिए। ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल वॉज ओवरकम इन द बोर एटॉमिक मॉडल। अच्छा, इसके जितने भी, सुन, अरे बताने देगा तो बताऊं बोलूंगा ना यार, अभी रीड किया हूं, क्वेश्चन पूछ लेता। सुन, अभी किसका मॉडल आया, रदरफोर्ड का, फेल हुआ ना, इसके जितने भी ड्रॉबैक है वो सब ओवरकम हो जाएंगे, समझ आ रहा है? मतलब हम लोग कौन से मॉडल में, जब आप बोर मॉडल, बोर साइंटिस्ट था नेक्स्ट साइंटिस्ट नील बोर, तो नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन आया, नील बोर। अब उसकी थियरी में ये सारी चीजें, ये सारे जो ड्रॉबैक है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, निकल जाएंगे, समझ आ रहा है? तो नेक्स्ट, अच्छा बोर भी पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुआ है, उसके बाद जो है ना समरफील्ड आता है, फिर बाद में वो ऑर्बिटल वगैरह की कहानी चलती है। लेकिन ठीक है, काफी हद तक जो है ना बोर ने एनर्जी बताया, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताया, समझ आ रहा है? और आप लोग ये सुनो, आप लोग जो क्लास 10th में पढ़ते हो ना, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वे सर्कल वाला, वो सब बोर ने बताया था। ए आप लोग जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
क्लास 10th में याद है सर्कल बना के करते थे, समझ आ रहा है? वो बोर वाला ही पढ़ते थे मॉडल। कौन सा मॉडल पढ़ते थे? बोर मॉडल। हाँ वही, पहले ऑर्बिट में। तो ऑर्बिट किसने बताया? बोर ने बताया। पहला ऑर्बिट होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, फिर तीसरे में 18 होते हैं। बोर ने बताया। किसने बताया? अच्छा अच्छा तेरे को मैं किसी दिन बाहर निकाल के पीटूंगा अदनान, जबरदस्ती का बात करते दिखता तू। ओके, डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर एटॉमिक मॉडल। अब इसके अंदर हम लोग बात करेंगे बींग पुट फोर्थ। हाँ, रेडिएशन का मैटर के साथ इंटरेक्शन हम लोग बात करेंगे यहां पर। रिक्वायर्ड टू कोरिलेट टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। नील बोर यूटिलाइज दीज रिजल्ट्स टू गेट ओवर द ड्रॉबैक्स ऑफ रूदर एटॉमिक मॉडल, वेव पार्टिकल डुअलिटी और लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। अब देखो यहां पर नील बोर ने, अब ये हमारा दौर चल रहा है जिसके अंदर हम लोग मैटर और रेडिएशन, यानी कोई वेव, मैटर और वेव आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कोई मटेरियल यानी मैटर और वेव, समझ आ रहा है? या कोई वेव है तो उसके पास हम लोग अभी डुअलिटी नेचर बात करने वाले। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आप बोर मॉडल आराम से समझ पाओगे। अब दो कॉन्सेप्ट क्या है सुनो, सबसे पहला ये है, देखो यहां पर ये पढ़ लो, वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी इसका क्या मतलब है? कोई मेरे पास अगर कोई रेडिएशन है, क्या है? रेडिएशन, कोई वेव है, तो वो कैसे जा, कोई रेडिएशन है तो वो वेव फॉर्म में जाता है, कैसे ट्रेवल करता है? ये वेव फॉर्म में। कोई हीट रेडिएशन बात कर लो, ठीक है? अब देखो मैं हीट के बारे में अगर बात हो रही है तो मैं आपको फिजिक्स में हम लोग इसको बात करेंगे वैसे, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है? जब आप कोई चीज, मान लो आपने एक आयरन बॉल लिया, उसको बहुत गर्म किया, हीट किया और ऐसे छोड़ दिया, ऐसे फ्लोर पे रख दिया, तो जो फ्लोर पे रखोगे ना ये बहुत ही रेड हॉट है। हाँ ठीक है, तो जहां रखोगे वो भी गर्म होगा कि नहीं होगा? तो ये किसकी वजह से हीट ट्रांसफर कर रहा है? कंडक्शन, डायरेक्ट टच है ना उसको, आप हाथ से पकड़ोगे तो आपको भी चटका लगेगा, तो हीट कंडक्ट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्शन। क्या बोलते हैं उसको? कंडक्शन। अच्छा इसके पास की जो एयर है वो भी गर्म हो जाएगी, होगा क्या मालूम है? इसके ऊपर की जो एयर है वो गर्म होगी, ऊपर भागेगी, ऊपर वाले को नीचे भेजेगी, जा तू भी चटका ले गया, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो दिस इज व्हाट कंडक्ट, ये कॉन्वेक्शन, क्या बोलते हैं इसको? कॉन्वेक्शन। जैसे हमारे अर्थ के सरफेस पर होता है, जब क्या होता है बहुत धूप पड़ती है तो अर्थ के सरफेस आपको ऊपर गर्म गर्म नहीं लगता है, हवा कैसी लगती है? गर्म। तो होता क्या है कि जो ऊपर की हवा है वो गर्म हो जाती है, और गर्म हो गई तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ऊपर भागती है, हल्की हो जाती है, ऊपर भागती है, ऊपर वाली किधर आएगी? नीचे। फिर सी ब्रीजिंग वगैरह जो आप देखते हैं ना, इसी कॉन्वेक्शन का ही की वजह से होता है। रीजन क्या है? कॉन्वेक्शन। समुद्र से हवा नहीं चलती है ऐसे, नहीं आ रही बात समझ में? या समुद्र की तरफ हवा जो जाती है वो सी ब्रीजिंग कॉन्वेक्शन की वजह से होता है। होता क्या है, सरफेस पे जो सरफेस गर्म हुआ धूप की वजह से, उसके ऊपर की हवा गर्म हो जाएगी, गर्म हवा हल्की होने की वजह से काम आगेगी, और ऊपर वाली हवा ठंडी वाली किधर आएगी? नीचे। नीचे आएगी उसको भी चटका लगेगा, वो भी ऊपर भागेगी, ऐसे चलता रहता है, दिस इज वॉट कॉन्वेक्शन। अच्छा ये दो मेथड बताए, एक कंडक्शन डायरेक्ट टच किया, तो अभी मैं इसका डे टू डे लाइफ में भी एग्जाम्पल बताता हूं आपके घर में भी, और अगर आप दूर बैठे हो तो भी आपको इसकी ना गर्मी महसूस होगी, समझ आ रहा है? दैट इज वॉट रेडिएशन। तो आपकी तरफ जो क्या नाम है, हीट आ रही है, आप दूर बैठे हो तो, लेकिन तभी भी उसकी गर्मी आपको महसूस हो रही है, वो रेडिएशन है, ठीक है? अच्छा घर पे बताता हूं आपके डे टू डे लाइफ में, आप भाजी बना रहे हो कढ़ाई में, है ना? ठीक है, आप सुनो, आपकी मम्मी बोलती है थोड़ा सा भाजी चला दे, है ना? अक्सर होता है ऐसे, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ए जरा भाजी चला दे, मेरे को ही बोलती है ना? ओके, आप गए, ठीक है, थोड़ा सा चम्मच ऐसे हिलाया और उसके बाद चम्मच भूल के आ गए, ऐसा भी हुआ होगा। सुनो,
दोबारा मम्मी बोली ये थोड़ा देर हुआ अभी वापस जाके थोड़ा सा भाजी हिला दे ऐसे करके, तो आप गए वापस से उस चम्मच को पकड़ोगे तो क्या हो जाएगा? सुनो बात को, वहां पर डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से चम्मच में से हीट ऐसे पास हुई, आपने जैसे ही छुआ आपको चटका लगा। तो ये चटका कैसे लगा आपको? हीट गरम कौन हो रहा है? कढ़ाई। ये चम्मच में कहां से हीट आ गई? तो कंडक्ट हुआ। हीट क्या हुआ? कंडक्ट। तो दिस इज कंडक्शन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से। नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा, किचन में जहां पर खाना बन रहा होता है वहां वहां अगर आप जाओगे ठीक है, तो आपको गर्म लगे क्योंकि वहां की हवा जो है ना, जो उसके ऊपर की हवा गर्म हो गई, वो यहां आई फिर यहां की ठंडी उधर गई, ओवरऑल पूरा ठीक है। या किसी के घर में एग्जॉस्ट लगा होगा किचन के अंदर, तो एग्जॉस्ट चालू करते तो वो हवा गर्म हवा बाहर की तरफ जाती है ऐसे। ये आप क्या कर रहे हैं? कॉन्वेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हो? कॉन्वेक्शन। जब आप एग्जॉस्ट चालू करते हो ठीक है, तो ये अंदर की हवा बाहर फेंकता है और फिर दूसरी जगह से हवा आएगी अंदर, समझ आ रहा है? तो कूलिंग होता रहता है फिर एग्जॉस्ट। आ रही बात समझ में? अच्छा सुनो, किचन में खाना उस कॉर्नर में बन रहा है, यहां बैठे हैं तभी भी गर्मी लग रही है, समझ आ रहा है? ये किस वजह से होता है? उसके रेडिएशन की वजह से। या अभी आप लोग ट्रैफिक वगैरह में कभी फंस जाते हो, सुनो आप गाड़ियों के बीच में जब पास हो रहे हो तो ऐसी गर्मी ऐसे निकल रही है, ऐसे अंदर दिमाग में जा रहा होता, क्या होता है? दैट इज रेडिएशन। क्या है वो? रेडिएशन है। ठंडी के मौसम में आग जलाते हो ठीक है, दूर बैठ के ऐसे ताप रहे होते हो, ये क्या ले रहे होते हो आप? रेडिएशन। ठीक है, जिसको ज्यादा गर्मी चाहिए होता है वो उधर जाके बैठ जाए, लेकिन ऐसा कोई करता है? कंडक्शन नहीं कराना अपने को, बैठ जाओगे कंडक्शन होएगा। हाँ, या चार अगर कॉन्वेक्शन कराना है, चारपाई ऐसी लंबी वाली चारपाई नीचे आग लगा दिया, कॉन्वेक्शन से भी हीट नहीं चाहिए अपने को, अपने को रेडिएशन से चाहिए, आग दूर रहे अपन, रेडिएशन होता है। अंडरस्टूड? तो रेडिएशन क्या हो गया, समझ आ गया? तो रेडिएशन याद रखो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ईएम वेव है। क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वेव है, वेव फॉर्म में ट्रेवल करता है ठीक है, और ये जब हमारे हाथ से टकराता है, हम मैटर है, हम क्या है? मैटर। तो ये एनर्जी ट्रांसफर करता है। क्या ट्रांसफर करता है? वो एनर्जी, क्योंकि ये हीट रेडिएशन है तो अपने को हीट हीट ट्रांसफर करता है। तो जब कोई वेव मैटर से इंटरेक्ट करता है तो एनर्जी क्या करता है? अच्छा, ऐसा काम पार्टिकल का होता है। किसका काम होता है ये? कोई मैंने बॉल लिया, इसके टकले पे मारा, बॉल की एनर्जी इसमें कन्वर्ट होगी। नहीं आ रही बात समझ में? तो एनर्जी का ट्रांसफर होना ये पार्टिकल नेचर होता है। किसका नेचर होता है? लेकिन वेव भी वैसे ही काम कर रहा है, यानी वेव के पास एक और नेचर है पार्टिकल वाला, समझ आ रहा है? वेव के पास एक और नेचर, वेव तो है ही वो, लेकिन जब किसी से टकराता है तो ये पार्टिकल की तरह काम करता है। इसका मतलब कि वेव हैव टू नेचर। वेव के पास कितने नेचर है? एक वेव वाला तो है ही, उसी के साथ साथ जब ये किसी से टकराता है तो पार्टिकल नेचर। तो यही यही नाम है इसका, वेव पार्टिकल डुअलिटी। देखो यहां पर वेव पार्टिकल डुअलिटी यानी डबल नेचर है, डुअलिटी ऑफ ईएम रेडिएशन। आई बात समझ में? कौन सा नेचर कब डिस्कस किया जाएगा? जब ये ट्रेवल कर रहा होगा तो वेव नेचर है, जब किसी से टकराएगा तो पार्टिकल नेचर। दिस इज व्हाट? वेव पार्टिकल डुअलिटी। समझ आ गया बात? इसका थियरी थोड़ा हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन मैंने सीधा कॉन्सेप्ट इसमें बता दिया। दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम, इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।